तो देखिए क्वेश्चन हमने उठाया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीआर टी की एक्सरसाइज से सो द क्वेश्चन सेज फॉर द फॉलोइंग बॉन्ड क्लिवेजेस यूज कर्व्ड एरोज टू शो द इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड क्लासीफाई एस होमोलिसिस और हेड्रोलिसिस ठीक है आइडेंटिफाई रिएक्टिव इंटरमीडिएट प्रोड्यूस्ड एज फ्री रेडिकल्स कार्बोकेटाइन या फिर कार्बेनाइन तो आपको क्या करना है आपको बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पर बताना है कि इसमें होमोलिसिस हो रही है या फिर हेट्रोलिसिस हो रही है एंड विद द हेल्प ऑफ कर्व्ड एरो आपको इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स बतानी है और साथ में कौन से इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं फ्री रेडिकल बन रहा है या कार्बोकेटाइन या कार्बेनाइन बन रहा है वो भी आपको मैंशन करना है ठीक है तो पहले समझते हैं ये होमोलिसिस एंड हेट्रोलिसिस क्या होती है देखो होमोलिसिस क्या होता है होमो का मतलब होता है सेम लीसिस मतलब उसका ब्रेक होना होमो मतलब सेम तरह से टूटना ठीक है जैसे यहां पर मैं एक बॉन्ड बना देती हूं एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है ए एंड बी दो स्पीशीज दो एटम्स है यहां पर अगर इसका होमोलिसिस होता है होमोलिसिस को हम कैसे दिखाते हैं हाफ है एरोमि हाफ एरो इस तरह से बनाते हैं और ए रेडिकल मिलता है एंड दूसरा मिलता है बी रेडिकल अ देखो ये क्या होते हैं अगर किसी एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं रेडिकल्स ठीक है तो ए रेडिकल आया बी रेडिकल आया क्योंकि ये जो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन ए के पास किया दूसरा इलेक्ट्रॉन बी के पास किया दैट मीन्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमने होमोलिटिक लिवेज किया है तो इसे कहते हैं होमोलेसिस मतलब बॉन्ड का लेसिस मतलब टूटना होमो मतलब कि सेम 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 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स uh, जा रहे हैं दोनों एटम के पास ठीक है इसके पास भी एक इसके पास भी एक तो ये होमोलिसिस होता है अगर हाइट्रोलिस होता इसका हाइट्रोलिस कैसे करते uh, इसमें ब्रेक करते हाइट्रोलिसिस में क्या होता है किसी एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी पूरे के पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ए नेगेटिव प्लस बी पॉजिटिव ठीक है A ठीके? तो ये क्या बने ये बने आयंस तो आइंस किसमें बनते हैं हमेशा हाइट्रोलिसिस में जिसमें सिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेक नहीं होता ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस टाइम पे क्या हुए हैं दोनों ए पे चले गए हैं और बी को कुछ नहीं मिला इलेक्ट्रॉन में तो ये डेफिशिएंट रहा तो इसके पास चार्ज आया पॉजिटिव चार्जिस ने एक्वायर करा और ए ने नेगेटिव चार्ज एक्वायर करा बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर चले गए तो ये फंडा है होमोलिसिस का एंड हेट्रोलिसिस का अब हम यहाँ पर अपने जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें हम अप्लाई करते हैं इस चीज़ को अब देखो यहाँ पर है तो प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट आपको देखना है प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है फ्री रेडिकल्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं ठीक है थाके? तो ये क्या है यहाँ पर आपको मिले फ्री रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स कौन से होते हैं जिनमें फ्री रेडिकल्स वो होते हैं फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो ये फ्री रेडिकल्स है ये दोनों स्पीशीज अब यहाँ पर बॉन्ड से कैसे बताओगे यहाँ पर इस तरह से हाफ हैडेड एरो हमने इस तरह से बनाना है कि दो इलेक्ट्रॉन में से एक आधा इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स दो में से हाफ पोर्शन यहाँ गया हाफ यहाँ पर गया ठीक है तो इस प्रोसेस को क्या नाम देखे हम ऊपर लिख लेंगे एरो के कि ये कौन सा प्रोसेस है होमोलिसिस ठीक है फर्स्ट का पूरा हो गया जो यहाँ पर इंटरमीडिएट्स बने कौन से बने हैं यहाँ पर फ्री रेडिकल्स यहाँ पर बन रहे हैं ठीक है होमोलिसिस इज द प्रोसेस और यहाँ पर कर्व्ड एरो से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरह से हाफ हेडेड एरो से बताई अब देखो ये जो फुल एरो बनता है इसका मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रो हो रही है ठीक है और जो ये सिंगल हेडेड एरो होता है इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आप दिखा रहे हो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं कि यहाँ पर यहाँ से ये कैसे बना अब देखो हमेशा प्रोडक्ट साइड पे ध्यान दो प्रोडक्ट साइड पे क्या है कि इस वाले कार्बन पे नेगेटिव है इस वाले कार्बन पे आपको नेगेटिव लाना है अब यहाँ पर क्या होता है जो ये बॉन्डलाइन रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें हम हाइड्रोजन्स नहीं दिखाते बट एक्चुअली क्या होता है ये टर्मिनल वाला कार्बन है तो कार्बन है तो एक बॉन्ड यहाँ पर है बाकी के तीन बॉन्ड्स यहाँ पर लगे होंगे ठीक है ये तीन बॉन्ड्स इस तरह से बना दिए हमने ओके okay? अब क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव कब आएगा नेगेटिव का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है इस कार्बन पे है तो क्या होगा ये वाला जो बॉन्ड होगा उससे पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे आ जाएगी ठीक है और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा यहाँ से अट्रैक्ट करेगा ओ एच नेगेटिव एच पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके ओ एच नेगेटिव एच पॉजिटिव ने बना दिया वाटर ठीक है न्यूट्रल मॉलिक्यूल और रिमेनिंग क्या रहा है ये पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन बॉन्ड की थी जो वो कहाँ गई कार्बन के ऊपर तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई और वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया ठीक है और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे क्योंकि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है यहाँ पर कैसी क्लीवेज है होमोलिटिक नहीं है हेट्रोलिटिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन और हाइड्रोजन था तो दोनों में इक्वली डिवाइड नहीं हुई है तो क्या हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही एटम के ऊपर गई है कार्बन के ऊपर गई है ठीक है तो ये क्या हुआ यहाँ पर होमोलिसिस नहीं होगा यहाँ पर होगा हेट्रो हेट्रोलिसिस ठीक है दिस प्रोसेस इज हेट्रोलिसिस यहाँ पर हो रहा है वैसे भी मैं एक छोटी सी टिप आपको देती हूँ कि जब भी आपको रेडिकल्स कहीं नज़र आए वहाँ पर होता है होमोलिसिस जहाँ पर आपको आयंस दिखाई दे रहे हैं वो होता है हेट्रोलिसिस क्योंकि आयंस तो तभी बनेगी जब एक एटम के पास पूरे इलेक्ट्रॉन जाएगी और दूसरे को कुछ भी नहीं मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर जो ये नेगेटिव कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है तो कौन सा इंटरमीडिएट है ये कार्बे कार्बे ठीक है तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कौन सा बना कार्बेनाइन यहाँ पर क्या बना फ्री रेडिकल ऊपर ठीक है तो ये हो गया और वैसे ही हम इसमें भी लिख सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस है हेट्रोलिसिस ठीक है ये इजी हो गया हैट्रोलिसिस क्यों है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस बन रहे हैं या फिर सिर्फ पॉजिटिव भी बनता तभी हेट्रोलिसिस था क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज दो दो एटम में से एक ही एटम के पास पूरी तरह से जा रही है ठीक है और कैसे ये करेगी एरो देख लेते हैं इस कार्बन पे सेंटर वाले कार्बन पे पॉजिटिव है ब्रोमिन नेगेटिव है दैट मीन्स ब्रोमीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी की पूरी है तो ब्रोमीन गेट्स नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन गेट्स पॉजिटिव चार्ज ठीक है और ये जो इंटरमीडिएट यहां पर बना कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये क्या होता है कार्बोकेटाइन ठीक है दिस इज़ कार्बोकेटाइन तो ये इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन लास्ट देखते हैं लास्ट में क्या है अगेन यहाँ पर क्या चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो ये कौन सा प्रोसेस है हेट्रोलिसिस हेट्रोलिसिस अन क्या हो जाता है इसमें बॉन्ड्स का ब्रेक हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही के पास गई तो किसका लेसिस हो रहा है हाइड्रोलिसिस इस बॉन्ड का हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी किसके पास जा रही है पॉजिटिव की तरफ यहाँ पर जा रही है ऊपर और ये डेफिशिएंट रह रहा है और ये जो ई पॉजिटिव है ये यहाँ पर लग रहा है और एक बात हम इसे इस तरह से नहीं बना सकते कि ये एरो इधर दिया क्योंकि हमेशा जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की दिखाई जाती है पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट नहीं दिखाते तो आप इसे यहाँ पर अगर आपने लगाना है तो इसे हम कैसे दिखाएंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इससे अट्रैक्ट किया है इस पॉजिटिव चार्ज को ठीक है तो इस तरह से दिखाया जाता है हमेशा जो मूवमेंट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट नहीं बताते इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बताते हैं तो एक्चुअली क्या हो रहा है जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये पूरी की पूरी इस कार्बन के ऊपर जा रही है ठीक है पूरी की पूरी इस कार्बन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई तो ई पॉजिटिव अट्रैक्ट हो गया इस साइड पे और ये वाला जो कार्बन है ये रह गया इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट दैट्स वाई यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा इंटरमीडिएट है कार्बो कार्बोकेटाइन ठीक है तो इंटरमीडिएट भी हमने सबके लिख लिए कार्बोकेटाइन बने और प्रोसेस भी लिख लिया हेट्रोलिसिस है और यहाँ पर एरोस भी बना लिए कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है तो ये था एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन और ये कौन सा चैप्टर हमने करा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास इलेवंथ का एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ओके